नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे वर्ल्ड ब्रदर एजुकेशन ग्रुप में। बीएससी सेकेंड ईयर की आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, और पेपर आपका ही सेकेंड। इसमें पहला चैप्टर पहले यूनिट है पूरी, ठीक है। तो इसमें हमने कल बात की थी अवकल समीकरण की परिभाषा, तो आज हम इसको इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अवकल समीकरण की डेफिनेशन कल लिख चुके हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या है भाई? एक ऐसा समीकरण कल लिख चुके हैं, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। एक ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों परतंत्र चर तथा परतंत्र चरों के अवकल गुणांकों के मध्य संबंध को दर्शाती है। एक ऐसी समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों परतंत्र चर तथा परतंत्र चरों की अवकल गुणांकों के मध्य संबंध को दर्शाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की कल बात की थी अपन ने, एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये फलन आपका फलन है fx, इसको y से मान लीजिए, y से रिप्रेजेंट कर दिया x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका कोई फलन है। इसमें अपन x की क्या कुछ भी ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ऐसे ले लीजिए। इसमें अपन x की वैल्यू रखेंगे अलग अलग वैल्यू, x की वैल्यू मान लीजिए रख दिया इसमें 0, तो y का मान मिलेगा यहां पर 0 0 4 0, ये आ जाएगा यहां पर 2। x बराबर 0 पर y की वैल्यू आई 2, x बराबर 1 पर y की वैल्यू आएगी यहां पर, यहां पर x की वैल्यू कौन रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2, वैल्यू है अपने पास 7। ऐसे ही y का मान, जैसे आप x का मान 2 रखोगे y की अलग वैल्यू मिलेगी, 3 रखेंगे तो फिर अलग वैल्यू मिलेगी। ऐसे हम x के अलग अलग वैल्यू रखते रहेंगे और y का अलग अलग मान आपको प्राप्त होता रहेगा। तो यहाँ पर x का मान हम क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से रख रहे हैं, तो यहाँ पर x तो फ्री है, x क्या है फ्री है, x यानी कि स्वतंत्र है। हम यहां पर x का मान रखने के लिए स्वतंत्र है, तो x अपना क्या है स्वतंत्र चर, और y ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, x के अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं तो y का अलग अलग मान मिल रहा है अपने को, तो यहां पर y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है x पर, तो यहां पर y क्या होगा परतंत्र चर, डिपेंडेंट चर, ठीक है, परतंत्र चर वाई, स्वतंत्र चर एक्स। अब कल अपने बात की थी कि स्वतंत्र चर और अथवा चरों, तो चरों क्यों लिखा है अपने भाई, स्वतंत्र चर जो होते हैं वो एक से ज्यादा कर सकते हैं समीकरण के अंदर। देखिए जैसे
एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे अपने पास कोई भी फलन है जेड, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ऐसे कर लीजिए, ये क्या आपका एक जेड फलन है किसका, एक्स और वाई का। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड फलन है एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स वाई। अब यहां पर एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब जाके जेड का मान मिलेगा। तो एक्स और वाई, मान लीजिए एक्स वाई अपन ने रखा जीरो जीरो, एक्स की वैल्यू भी जीरो वाई की वैल्यू भी जीरो, तो जेड की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, क्या मिलेगा आपको यहां पर, जेड का मान जीरो। एक्स की और एक्स वाई की वैल्यू रखे यहां पर जीरो वन, तब देखते वैल्यू क्या मिलती है जेड की, जीरो वन, इसमें रखेंगे तो जीरो वन का स्क्वायर टू इंटू जीरो इंटू वन, क्या मिलेगा आपको यहां पर वन, ठीक है। ऐसे अगर हम एक्स वाई की वैल्यू को दूसरी वैल्यू रखेंगे तो जेड का अलग मान प्राप्त होगा, तो एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू रखने पर जेड का अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर मान किसका रख रहे हैं अपन, एक्स और वाई का, अपनी मर्जी से रख रहे हैं एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई तो क्या है यहां पर स्वतंत्र चर है, और जेड क्या है यहां पर परतंत्र चर, क्योंकि जेड का मान एक्स और वाई के मान पर निर्भर कर रहा है। तो एक्स और वाई का यहां पर ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आपके स्वतंत्र चर, और जेड क्या है आपका परतंत्र चर। तो परतंत्र चर तो एक ही होगा, लेकिन स्वतंत्र चर आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जेड एक्स वाई टी का फलन हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे तीन चार वैल्यू और आ सकती है। जैसे लिखते हैं आप लोग पी आपका कोई भी फलन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां पर पी किस किस का फलन है भाई, एक्स का वाई का और जेड का। पी फलन है यहां पर किसका, एक्स का वाई का जेड का। तो एक्स वाई जेड क्या हुआ यहां पर स्वतंत्र चर, और पी क्या हो जाएगा आपका परतंत्र चर, ठीक है। एक्स वाई जेड में क्या होगा स्वतंत्र चर, पी क्या होगा आपका परतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर समझ में आ गए होंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं, चलो परिभाषा। एक ऐसा समीकरण, एक ऐसे समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों, परतंत्र चर तथा परतंत्र चरों के, चरों नहीं चर, परतंत्र चर के अवकल गुणांकों के मध्य संबंध को दर्शाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। तो यहां पर अब क्या है, यहां परतंत्र चर के अवकल गुणांक, जैसे अपने पास एक इक्वेशन है एक्स डीएक्स y dy प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये कोई आपका एग्जाम्पल है, बुक का ही एग्जाम्पल है, कोई देख लेना आपको, बुक का नाम पड़ेगा यही है अवकल समीकरण, इसी नाम से बुक है अपनी, बुक खरीद लेना आपको, x dx plus y dy plus x dy minus y dx बटे x square plus y square बराबर 0। ये आपका एक अवकल समीकरण है, कैसे देखें हम, देखें इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, x x square पूरी इक्वेशन को मैंने गुणा कर दिया है x square plus y square से, तो यहां पर क्या आ जाएगा x into x square plus y square dx, यहां पर भी क्या आ जाएगा y into x square plus y square dy plus x dy minus y dx बराबर 0, ठीक है। अब इसमें dx का भाग है अपने पास, x x square plus y square, ये होगा आपका
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाई बराबर जीरो। देखिए इसमें क्या है, एक्स क्या हो गया यहां पर इस इक्वेशन के हिसाब से एक्स क्या हो गया स्वतंत्र चर, वाई क्या हो गया परतंत्र चर। वाई के सापेक्ष अवकलन हो, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो अवकल गुणांक किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष आ रहे हैं एक्स के सापेक्ष, लेकिन हो किसका रहा है तो वाई का, तो परतंत्र चर का अवकल गुणांक, तो वाई का अवकल गुणांक क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। अवकल गुणांक ये स्वतंत्र चर ये रहा, परतंत्र चर ये रहा, इन तीनों के मध्य से संबंध जो दर्शा रही है समीकरण, ये क्या कहलाएगी अवकल समीकरण। ठीक है, तो आगे बात करते हैं थोड़ी। अवकल समीकरण की तो बात हो चुकी थी कल, उसी को रिपीट किया था, अब आगे चलते हैं अवकल समीकरण के प्रकार। अवकल समीकरण के प्रकार पहला जो है वो है साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, और एक होता है आपके पास आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण थोड़ा सा डिफरेंस है वो देख लेंगे, पर साधारण अवकल समीकरण क्या होता है, इसमें एक ही स्वतंत्र चर होता है। इसमें क्या होता है भाई, स्वतंत्र चर एक ही मिलेगा, केवल एक, केवल एक ही स्वतंत्र चर मिलेगा, इसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर मिलेंगे आपको। इसमें क्या होगा, केवल एक स्वतंत्र चर मिलेगा, इसके अंदर एक से अधिक स्वतंत्र चर होंगे। तो आप डेफिनेशन देखना चाहो इसकी, तो डेफिनेशन क्या होगी भाई, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर, केवल जिसके अंदर क्या होगा, एक स्वतंत्र चर हो, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। आंशिक अवकल समीकरण एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हो और इनमें से किसी के सापेक्ष अवकल गुणांक आते हो, तो ऐसा अवकल समीकरण क्या कहलाएगा, आंशिक अवकल समीकरण। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो, दूसरा जो आपका आंशिक अवकल समीकरण, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, एक से अधिक का मतलब नहीं दो हो तीन हो चार हो, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तथा आंशिक अवकल गुणांक, आंशिक की लिखा है बताएंगे आपको,
आंशिक अवकल गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष आते हो आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तथा आंशिक अवकल गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष आते हो, क्या कहलाएगा वो? आंशिक अवकल समीकरण। इनको एग्जांपलों की सहायता से समझते हैं। देखिए अपने पास है, अभी अपने लिखा था कुछ उदाहरण, अभी लिखा थोड़ी देर पहले y dx plus x dy plus x dy y dx x square plus y square बराबर 0। दूसरा एग्जाम्पल आपकी किताब का ही, इसमें देखिए इसमें क्या हो, देखिए अपने लिखा था इसको y इस रूप में ले आए थे, इसको इस रूप में लेके आए थे x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कर चुके हैं अपन इससे पहले, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। इसमें देखिए आप इसमें क्या है, केवल एक ही स्वतंत्र चर है एक्स, वाई तो क्या है यहां पर, ये तो है परतंत्र चर, इसका अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है भाई, एक्स के सापेक्ष, ये आपका स्वतंत्र चर। तो इसमें देखिए केवल केवल एक ही स्वतंत्र चर है, दूसरा वाई तो क्या है परतंत्र है, तो और साथ में इसमें अवकल गुणांक जो है वो किसके सापेक्ष आ रहे हैं भाई, एक्स के सापेक्ष आ रहे हैं, दोनों एक ही है डीवाई अपॉन डीएक्स डीवाई अपॉन डीएक्स, तो एक्स के सापेक्ष ही आ रहे हैं। तो यहां पर स्वतंत्र चर एक है और उसी के सापेक्ष अवकल गुणांक आ रहे हैं, और ये क्या है आपका एक अवकल समीकरण भी है, आपको मालूम है कर चुके हैं इससे पहले, तो ये क्या होगा आपका साधारण अवकल समीकरण, क्योंकि इसके अंदर एक ही स्वतंत्र चर है, इसलिए ये क्या होगा साधारण अवकल समीकरण।